हिमाचल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस के नेता रामलाल ठाकुर के आरोपों पर पलटवार किया है। रणधीर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर को तो झूठ बोलने का अवार्ड दिया जाना चाहिए। कर्ज को लेकर रामलाल ठाकुर ने झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। 2017 में 47,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज था, जो अब 63,000 करोड़ हुआ है। वर्तमान जयराम सरकार ने 17,315,000 करोड़ का कर्ज अभी तक लिया है, जबकि वीरभद्र सरकार ने 19,199,000 करोड़ का कर्ज 5 साल में लिया। डबल इंजन सरकार विकास को आगे बढ़ा रही है। रेलवे विस्तार हो रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी के नेता पचा नहीं पा रहे हैं। फोर लेन निर्माण में कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार की वजह से काम अटके रहे, जिनको भाजपा सरकार के दौरान गति मिली। रामलाल ठाकुर अपने लगाए आरोपों के प्रमाण दिए। एम्स जब तैयार होगा, उसका उद्घाटन होगा। 5 साल में एम्स बनाकर तैयार किया है, जिसकी कांग्रेस पार्टी को सराहना करनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार के कार्यों को देखते हुए जनता फिर भाजपा की सरकार बनाएगी। नैना देवी ट्रस्ट के पैसे के दुरुपयोग पर उन्होंने कहा कि रामलाल ठाकुर इसका प्रमाण दे। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो वो हमेशा झूठ बोलते हैं, परंतु जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, उनका झूठ बोलने का स्तर बढ़ता जा रहा है। और वैसे तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेता झूठ बोलने में माहिर हैं, परंतु उनके पूर्व मंत्री विधायक श्री रामलाल ठाकुर ने तो झूठ बोलने में सबको पीछे छोड़ दिया है। पिछले कल जिस तरह से उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे आंकड़े देकर, झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, मैं समझता हूं अगर कोई झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो जाए तो निश्चित रूप से वो गोल्ड मेडल ले जाएंगे। उन्होंने कल प्रदेश सरकार पर पिछली सरकारों की तुलना में कई गुना ज़्यादा कर्जा उठाने का आरोप लगाया, जो कि सरासर निराधार है। आंकड़ों को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर ही पेश नहीं किया, सरासर गलत आंकड़े प्रस्तुत किए। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अभी तक 15,815 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, और अगर उनके बताए हुए 1500 करोड़ को भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा 17,315 करोड़ तक पहुंचता है, जबकि पिछली वीरभद्र सरकार ने, पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 19,199 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। इस तरह तुलना की जाए तो हमारी इस जयराम ठाकुर सरकार ने पिछली वीरभद्र सरकार की तुलना में कम जो है वो 1,500 करोड़ रुपए कर्जा कम लिया है, जो इस बात को साबित करता है कि हमारी सरकार की आर्थिक कुशलता, वित्तीय प्रबंधन वो पिछली सरकार की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर रहा।